लगभग 1650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन सपोर्ट के रूप में 2200 रुपए दिए जाएंगे, जो डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर खर्चा जो आता है वो कनेक्शन की कॉस्ट और स्टोव और गैस यानी कि एलपीजी के सिलेंडर का, इसका खर्चा आता है। तो कनेक्शन का खर्चा जहां एक और भारत सरकार ने पहले कहा कि हम लोग दे रहे हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनको रिम्बर्समेंट के रूप में पैसा मिलता है वापस, वो लगभग 2200 रुपये उनको रिम्बर्स किया जाता है। जो बर्नर और एलपीजी सिलेंडर की कीमत है। नेक्स्ट, यू कैन, कुल खर्चा भी आप जानना चाहते हो कितना होगा? 1650 करोड़। ओएमसी को जो पहला रिफिल है और स्टोव का खर्चा जो ओएमसी अपनी तरफ से देंगे, क्या वो भी सरकार रिइंबर्स कर रही है या फिर ओएमसी खुद वहन करेगी? इसमें से एडिशनल कॉस्ट जो है, जो दो बर्नर्स की है, स्टोव की बात करते हैं वो और रिफिल, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वहन कर रही, लेकिन उसको रिम्बर्समेंट भारत सरकार करती है। जो प्रति कनेक्शन मैंने आपको 2200 रुपए बताया वो वही है। रिगार्डिंग फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट्स मिशन, यू नो, डज दिस कंफर्म दैट ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री विल बी कंप्यूटराइज्ड एंड यू नो विल बी ऑनलाइन, और यू नो यू हैव अ डिफरेंट प्लान फाइनली फॉर दिस? देखिए, कोविड के समय भी आपने देखा कि कैसे ई कोर्ट से लाभ मिला, जहां एक और मुकदमे जारी रहे, वकील भी हाजिर होते रहे और न्याय भी जल्द से जल्द मिले उस दिशा में, और ट्रांसपेरेंसी आई रिकॉर्ड की अपकीप हो, पेपरलेस कोर्ट्स हो, इसमें से हर किसी को लाभ है, जो लिटिगेशन में है उसको भी लाभ है, वकीलों को भी, और कुल मिला के आपको न्याय भी जल्दी मिलता है। इसी दिशा में पहले और दूसरे चरण के बाद, जैसे मैंने आपको लागत भी बताई, अगर पहले के ऊपर 639 करोड़ खर्च हुए थे तो अगले के ऊपर 1670 करोड़, लेकिन इसके ऊपर 7210 करोड़ पे खर्च किए जा रहे हैं, और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की जब हम मैं बात साथ में जोड़ रहा हूं, और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि एक प्रक्रिया और सरल हो, और इसके इंटीग्रेशन से न्याय भी जल्दी मिल पाएगा, और जो कई अड़चने मुश्किलें आती हैं उनसे भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां पे लिटिगेशन करने वाले को भी और कोर्ट में न्याय दिलाने वालों को भी, दोनों को ही एक सुविधा के रूप में ये टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, जहां पर हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सारी उपलब्ध होंगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की भी जब मैंने इसमें बात जोड़ी है तो उससे भी इसका लाभ मिलने वाला है, और ई सेवा केंद्र जो है। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा गया कि उज्ज्वला योजना में 75 लाख और मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे, गैस का चूल्हा और पहला सिलेंडर मुफ्त मिलेगा जिसका खर्च तेल कंपनियां उठाएंगी, बजट में 1650 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए रखा गया है। इसके अलावा ई कोर्ट मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है, पहले दो दौर में 18,000 कोर्ट्स का कंप्यूटरीकरण हो चुका है, अदालती फैसलों की कॉपी ऑनलाइन देने की व्यवस्था भी की गई है।